अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए जी, ये थोड़ा सा क्लिप, मैंने ये रेनबो पे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी वो लेने गई थी, तो ये क्लिप बना लिया था। लेकिन पता नहीं क्यों ये स्टोर्स वाले बनाने नहीं देते हैं वीडियोस, तो बस वो थोड़ा सा बना के फिर घर आ गई थी, क्योंकि आज मैंने चाइनीज़ बनाना था और एक दो चीज़ें कम थी। तो जब स्टोर पे जाएं तो लेने तो एक दो चीज़ें जाते हैं, लेकिन फिर साथ और चीज़ें भी याद आ जाती हैं, तो फिर साथ ये कुछ पहले आई थी। और ये शाम का टाइम था, 5 बजे ना यासिर घर आए, तो मैं खाने में पता नहीं क्या बनाने लगी थी। तो यासिर कहते हैं कि आप ना चाइनीज़ बनाओ, मेरा दिल चाह रहा है चिकन विद पाइनएप्पल बनाओ और साथ फ्राइड राइस बनाओ। वो तो ऑब्वियसली चिकन पाइनएप्पल के साथ राइस ही बनाने थे, तो बस मैंने कहा चले ठीक है मैं बना लेती हूँ। लेकिन यासिर, ये ना स्प्रिंग ऑनियन सिर्फ उधर से मिल रहे हैं, रेनबो से मिल रहे हैं, तो वो हमें वहाँ से लाने होंगे। पता क्या व्यूवर्स, मैंने एक दो दफ़ा और स्टोर से या ये जो सब्जी वाली शॉप होती है इधर से मंगवाए हैं ये ग्रीन ऑनियन, लेकिन ना वो फ्रेश नहीं होते हैं। और लेकिन राइस में ना, चाइनीज़ फूड में हमेशा फ्रेश वेजेस अच्छी लगती हैं, तो वो मेरा आइडिया यही था कि रेम्बो से मिलेगा, और वाकई वो रेम्बो से मिल गए हमें, और भी सारी वेजेस वहाँ बहुत अच्छी होती हैं ना। तो बस यहाँ हम लोग आ गए थे घर, और मैं जाते हुए चिकन मैरिनेट कर गई थी, बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था वो मैं ग्रेवी के लिए मैरिनेट करके चली गई थी, और और चावल भी भिगो के चली गई थी। तो बस आके मैंने फिर ये चावल बॉयल होने रख दिए थे। एग फ्राइड राइस की तो प्रॉपर रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी, मतलब डिटेल में, लेकिन चिकन विद पाइनएप्पल की रेसिपी डिटेल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ देखें, ये ना मैं मैरिनेट कर चुकी हुई थी जैसे कि मैंने आपको बताया। एक्चुअली मैं ना चिकन बोनलेस की कोई चीज़ बनाने लगी थी, तो बस वो डिफर्स्ट किया हुआ था। हाँ, मुझे याद आया, मैं बेबी पुलाव बनाने लगी थी। आपको पता है ना बेबीज पुलाव आयरा को कितना पसंद है, मैंने सोचा चलिए ये बना लेती हूँ, साथ में शामी कबाब हम लोग खा लेंगे। लेकिन जब यासिर ने कहा कि नहीं आप चाइनीज़ बनाओ, तो फिर जब यासिर कह देते हैं ना, तो फिर मैं ज़रूर बनाती हूँ। बस मैंने फिर सोचा चले चाइनीज़ बना लेती, और मैंने फिर चिकन को मैरिनेट कर दिया। और ये कढ़ाई में मैंने नया ऑयल डाला, दूसरी कढ़ाई में ना ऑयल था लेकिन वो स्पाइसेस थे उसमें, मतलब स्पाइसी चिकन उसमें मैंने फ्राई किया हुआ था, तो जब स्पाइसी चिकन फ्राई करे ना तो उसमें टेस्ट रह जाता है स्पाइसेस का, लेकिन मुझे बिल्कुल प्लेन चाहिए था ऑयल, तो मैंने नया ऑयल डाल दिया। साथ में ये चावल बॉयल हो रहे थे। अच्छा, तो इसकी मैरिनेशन के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं बता भी देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन में इसके इंग्रेडिएंट्स आपको ना डिटेल में मिल जाएंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैंने डाला था चिकन पाउडर, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, और एक एग डाल लिया था, और कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल लिया था। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल आप देख लें इंग्रेडिएंट्स की, और इसे तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा मैरिनेट किया था, और फिर मैंने इसे डीप फ्राई कर लिया था। साथ में यहाँ देखें, मैं ग्रीन अनियन की कटिंग कर रही हूँ, इतनी फ्रेश थे ना, मज़ा आ गया था इतने दिनों बाद इतने इतने फ्रेश सब्जी देखने का। यहाँ देखें जी, चिकन फ्राई हो गया है। ये चिकन ना सेम क्यूब्स में नहीं कटिंग हुई हुई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ग्रेवी बनानी है, तो चिकन इस टाइम यही अवेलेबल था, तो बस इसी तरह मैंने फिर जिस तरह की इसकी कटिंग हुई हुई थी उसी तरह मैरिनेशन करके से फ्राई कर लिया था। और हाँ, इसमें नमक भी डाला है, और रेड चिली पाउडर भी डाला है, और वाइट चिली पाउडर भी डाला है। साथ में मैंने ये पाइनएप्पल कैन ओपन कर लिया था, और इसका जो सिरप है ना ये अलग से एक मग में निकाल लिया था, और इसके चंक्स को ना अलग से कर लिया था। अब यहाँ ना मैं ये जो सारी सॉसेस का एक मिक्सचर बनाना था ना, ये आज मैंने पहले से मिक्सचर अलग से बना लिया था, नहीं तो मैं डायरेक्ट ना पैन में डालती हूँ। आज मैंने सोचा चले मैं इस तरह से अलग से बना लेती हूँ। यहाँ ना मैंने हाफ कप से भी कम पानी ले लिया था, और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया था, क्योंकि चिकन स्टॉक अवेलेबल नहीं था, और चिकन स्टॉक अवेलेबल हो तो वो बेस्ट है, और अगर नहीं हो तो मैं तो इस तरह से चिकन पाउडर ऐड कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों के पास चिकन क्यूब्स अवेलेबल हो तो आप वो ऐड कर लें, मतलब ये आपने चिकन स्टॉक बनाना होता है। बस अब इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर लिया था, चिली सॉस, और उसके बाद ऑयस्टर सॉस, और हॉट सॉस। हॉट सॉस ना मैं अभी लेके आई थी स्टोर से, तो मैंने सोचा चलें हॉट सॉस भी ऐड कर लेती हूँ,
लेकिन मैं पहले ये सोचती होती हूँ कि हॉट सॉस और चिली सॉस एक ही होती है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता। इंशाल्लाह मैं ये देखूँगी इसका ऊपर में ना, इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ूंगी कि क्या ये सेम ही होती है। खैर मैंने दोनों इसमें ऐड कर ली थी और विनीगर ऐड कर लिया था, तो बस ये एक सॉस बन गई थी। ये मतलब सारी सॉसेस का एक मिक्सचर बन गया था। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ले लिया था, उसे सौते कर लिया था, मतलब उसकी रॉ स्मेल से ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ये ना पाइनएप्पल चंक्स इसमें ऐड कर लिए थे और उन्हें भी थोड़ा सा ना स्टेयर फ्राई कर लिया था। और उसके बाद साथ ही मैंने ये जो फ्राइड चिकन था जो मैंने फ्राई किया हुआ था ये इसमें ऐड कर लिया था, और इसे भी थोड़ी देर स्टेयर कर लिया था। बस अब इन दोनों चीज़ों को अलहदा से निकाल लेना है, और निकालने के बाद हमने ना इसमें वो जो मिक्सचर बनाया हुआ है सॉसेस का वो ऐड कर लेना है। व्यूवर्स जने, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो काइंडली लाइक कर दिया करें ना मेरी वीडियो को। देखे अगर 50 लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, उनमें से सिर्फ 5 लोगों ने लाइक किया होता है। क्यों नहीं आप लोग लाइक करते हैं? आपको वीडियो नहीं पसंद आती है? और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखे ना, आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा ना। तो यहाँ देखें जी, ईजू जब वीडियो बना रही होती है ना मेरे व्लॉग के लिए या रेसिपी रिकॉर्ड कर रही होती है, तो उससे बहुत होता है कि मेरे हाथ भी अंदर आए। तो काइंडली आप उसके हाथ भी देख लें कैसे लग रहे हैं। यहाँ मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी और उसके बाद वाइट चिली पाउडर भी ऐड कर दिया था, और साथ में ये हनी ऐड कर रही हूँ। हनी की जगह आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं या सिंपल शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हनी प्रेफर किया था। तो इसकी क्वांटिटी आपको इंग्रेडिएंट्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं ना डिफाइन कर दूंगी। तो बस हनी ऐड करने के बाद मैंने इसमें पाइनएप्पल सिरप ऐड कर दिया था जो पहले से मैंने सेपरेट करके रखा हुआ था, और अब मैं पानी में कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, इसकी स्लरी बना रही हूँ। और ये देखें, यहाँ मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया, और अब इसमें फ्राइड चिकन और पाइनएप्पल चंक्स ऐड कर दिए, और बस अब इस पर लिड दे के इसे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए ना रख दिया था। अब साथ में ये चावल बना रही हूँ मैं। यहाँ देखें जी, हमारा चिकन पाइनएप्पल रेडी है। चिकन पाइनएप्पल कह लें या चिकन विद पाइनएप्पल कह लें। ये इसमें मैंने लास्ट में ना स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर लिया था और रेड चिलीज फुल वाली जो होती है ना वो 5-6 ऐड कर ली थी प्रेजेंटेशन के लिए। तो बस यहाँ पाइनएप्पल चिकन रेडी है। और ये जो राइस हैं इनकी डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों तक ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ना वो भी देख सकें। नहीं तो अगर आप लोग अभी देखना चाहते हैं तो मेरी पहली वीडियोस में एग फ्राइड राइस की रेसिपी है, आप वहां जाके देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूं उस वीडियो का। तो इसमें सबसे स्पेशल वाली बात ये होती है एग फ्राइड राइस में कि इन्हें स्टर करना होता है, जस्ट इन्हें दम पे नहीं रखना होता। मोस्टली लोग ना इन चावलों को भी दम पे रख देते हैं लास्ट में, जैसे बिरयानी को रखते हैं या पुलाव रखते हैं ना। चाइनीज़ में ना राइस को दम नहीं लगाना होता, बस ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दोबारा से एग फ्राइड राइस आप लोगों के लिए बनाऊंगी, और अगर आप लोग भी वो रेसिपी फॉलो करके बनाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ देखें, हमारा खाना रेडी था और मैंने हार्ट वाली डिश में राइस डाल के ना ये डिशेस में उल्टा लिया था। ये देखें हार्ट कितने अच्छे लग रहे हैं। पहले ना मैं सिर्फ सिंपल बाउल लेके इस तरह से प्लेटर रेडी करती थी, लेकिन ना आज मेरे माइंड में आइडिया आया कि मेरे पास हार्ट वाले बाउल हैं ना, तो मैं इस तरह से आज डिश प्रेजेंट कर देती हूँ। तो यासिर ने जब देखा इतने खुश हुए ना, कहते हैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो बस जो मैंने नीचे प्लेटर भेजना था वो मैंने उसी तरह सिंपल बाउल में ना प्लेटर बना के भेज दिया था, क्योंकि नीचे तो ज़रूर भेजना होता है ना। खैर मैंने साथ में थोड़ा सा रशियन सैलेड भी बना लिया था जल्दी से, क्योंकि कॉकटेल तो अवेलेबल था, तो बस मैंने कहा चले साथ में रशियन सैलेड भी बना लेती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी डिश लग रही है माशाल्लाह। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया मैंने फ्राइड राइस और चिकन पाइनएप्पल और चिकन चिली ड्राई मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, चिकन मंचूरियन। लेकिन ये सब ना चाइनीज़ डिशेस मैं दोबारा से आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप मेरे चैनल पे इन टच रहिएगा।
तो मेरी आवाज़ आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरा गला कितना ख़राब है। फिर भी मैंने वॉइस ओवर कर दिया। ये वीडियो मैंने कल ही अपलोड करनी थी, कल नहीं कर सकी क्योंकि इज़ू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरा भी गला ख़राब था। बस इज़ू को डॉक्टर पे लेके गई। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जब मैं उसे डॉक्टर पे लेके गई। और उसके अलावा लाइट्स इतना ज़्यादा तंग कर रही हैं ना आजकल, पता नहीं क्यों इतनी इतनी लंबी लाइट चली जाती है। तो बस फिर वॉइस ओवर मैं इसी वजह से नहीं कर सकी। कल मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी और वो कल वाली वीडियो मैंने आज अपलोड कर दी है। और व्यूवर्स, ये मेरी उसी दिन की वीडियो नहीं होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये 3 4 दिन पुरानी वीडियो होती है। डेट्स आई मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे याद नहीं है, शायद ऐसा था वैसा था हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को हर बात सच सच बताना चाहती हूँ ना, कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए। वैसे भी मुझे झूठ बोलना बहुत बुरा लगता है और जो लोग झूठ बोलते हैं ना मुझे वो लोग भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं आप लोगों को भी ये कहूँगी कि कभी भी झूठ नहीं बोलें। अपने बच्चों को भी ना मैं ये बात हमेशा समझाती हूँ कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलो, स्पेशली अपने पेरेंट्स को हर बात सच सच बताया करो। खैर, मैंने ये क्या बातें शुरू कर दी। यहाँ देखें जी, हम सब ने खाना खा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया था। बल्कि यासिर मुझे आज कह रहे थे कि हमारा संडे को दोबारा से ना चिकन पाइनएप्पल बनाओ, इतना मज़ा आया था ना खाने का। ये देखें, बल्कि सुने व्यूवर्स मेरे घर वालों के रिव्यू। चिकन विद पाइनएप्पल बहुत मज़े का बना, आप लोग भी ट्राई करें। और मैं तो घर वाले वैसे ही कहा था कि मेरा दिल चाह रहा है पाइनएप्पल चिकन और चाइनीज राइस खाने को। आयशा क्यों रो रही हो? बहुत जबरदस्त बना। हाँ जी आयरा, कैसा लगा आपको? हाँ जी, हाँ जी, कैसे आयशा, कैसे है? सच बोलते हैं। चलें जी, खा के बताएं जरा आयशा, फूड फूड रिव्यू दें। आपको फूड कैसा लगा? हाउ वाज द टेस्ट जी? मजेदार, वेरी गुड, थैंक यू। ओके व्यूवर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।